पट्टी क्यों लगाई तुम लोगों ने? कहाँ लगी दिखाओ? फाइनली आज हमने क्रैक कर लिया। फील हुआ ना पेन? फील हुआ ना दर्द हुआ ना? वेलकम बैक टू द ब्लॉग। और बॉडी में भयंकर वाटर रिटेंशन हो रखा है, मुंह फूला फूला सा लग रहा है। जो आपको चीट मिल खाएगा ना उसी का असर है। और मैंने पानी कम पिया था इसलिए, क्योंकि जब आप इतना ज्यादा चीट मिल जिसमें कार्ब्स और फैट ज्यादा होते हैं पानी कम पीते हैं तो ऐसा हो जाता है। जूस पीवा लो, मजा नहीं लाइफ। ऑल्सो जब इतने मतलब क्लीन खाते ना और फिर चीट मिल खाते हो तो चीट मिल यहाँ अच्छा लगता है लेकिन पेट को अच्छा नहीं लगता। प्रभु जी ये क्या कर रहे हैं? क्या कर रही हो? किसके लिए? दीदी के लिए। दिखाओ जरा आटा, बहुत टेस्टी आटा है हमारा। वाह क्या एक्टिंग कर रहा है। हमारे किचन में ये दो प्याज थे, इनके इतने पेड़ निकल रहा है, अब तो इनका नया जन्म होने जा रहा है। प्याज ही काट के खाएंगे इसको, लगा ही देते हैं। अरे ऋतु खोलो खोलो। नहीं कुछ खबरें सुनने के लिए कोई है ही नहीं। साला ये दुख का खत्म नहीं होता बे। दोनों बच्चे रो रहे हैं मेरे को ऊपर बोल रहे हैं पापा रशी दीदी रो रही है रो रही। मैंने कहा आ रहा हूँ, जैसे मुड़ी धाम पूरी धाम हो गई, फिर खुद भी रोने लगी। अरे रशी दीदी चुप हो गई, जा चुप कर उसको, चलो दम हो जा। अरे बाहर ब्रोकली आ गई, किसी ने देखी है? हाँ हाँ ब्रोकली आ गई, नहीं देखी? आओ दिखाओ, आओ ये देखो ये देखो, आओ दिखाओ ब्रोकली दिखाओ, आओ लो ये देखो ना, यहाँ से देखो ना, ये देखो। घर की ताजा ब्रोकली देखो। हमारी करोल बाग से यहाँ पे आई थी, अब यहाँ से सीधा ऑफिस जा रही है, ऑफिस में लग जाएंगी। सुबह आज इतना लेट उठी रशी, इतना लेट, 8:30 का स्कूल है, 8 बजे उठी थी आज। भाई अभी जा रहे हैं ऑफिस, कल हमारी 20 लाइफ प्रोटीन की पहली बैच की प्रोडक्शन है। वो पहली बैच मार्केट के लिए नहीं होती, उसको बोलते हैं पायलट। हम जैसे हर जगह गए, हमने हर रॉ से हर चीज से अलग अलग चीजें बनवाई, हमने फाइनलाइज की क्या करना है। तो वो बड़े वाले मिक्सर में मशीन में नहीं डलती, उसको छोटे वाले मिक्सर में या हाथ से मिक्स करके आप टेस्टिंग कर लीजिए, देख लीजिए ब्लोटिंग हो रहा है सही हो रहा है, आपको रिकवरी हो रही है, गट हेल्थ कैसी है, इशू कैसी है, फ्लेवर कम ज़्यादा क्या समझ में आ रहा है। लेकिन अब कल हमारा पहला बैच है, हमने लॉक कर दिया हमें ये चाहिए, तो वो पहला मशीन में जाएगा। कि मशीन में जब बनेगा तो कैसा आएगा, क्योंकि मशीन में जब फिल्ट्रेशन होता है तो और महीन होता है, उसका फ्लेवर बोलते हैं और बढ़ के निकलता है। तो मार्केट में रोल करने से पहले एक पायलट बैच बनता है, तो वो पायलट बैच बनाएंगे हम, उसको या तो फिर अब अपने क्लोज वालों को डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली को। लेकिन हम लोग सोच रहे हैं उसकी हम टेस्टिंग करा देंगे जिम्स में जाके, लोगों से एक ओपिनियन ले लेंगे भाई कैसा है आपको लग रहा है, तो ये सीन है। लेकिन हमें एक टेंशन हो रही है, हमें समझ में नहीं आ रहा कि हम पहला बैच इसके बाद जो बनेगा मार्केट के लिए वो कितने का बनवाए। तो भाई तुम लोग मतलब कितना डब्बा उड़ा दोगे मतलब जब हम लाइव होंगे, तो एक आइडिया। पिला पिला बेटा टेस्टिंग कर रहा हूँ। जब भी हम लोग यहाँ बैठते हैं हमारा प्रोटीन तो पेल के होता है ऑफिस में, इनका बड़ा ग्लास है। 20 लाइफ में अगर आप आएंगे तो कुछ मिले ना मिले यहाँ प्रोटीन रोज आपको मिलेगा टेस्ट करने। और सर का बड़ा ग्लास है और मेरा छोटा। क्या बड़ा क्या छोटा एक ही है। फर्स्ट पायलट प्रोडक्शन हो रहा है, उसमें हम लोग ने क्रैक कर लिया, क्या बनवाना फाइनली इन तीनों में से हम ये वाला बनवाना। तो ये तीनों हम पहले ही क्लोज कर चुके हैं, मतलब ऐसा नहीं कि आज क्लोज कर रहे हैं, बट टेस्ट हमने अभी क्लोज किया। टेस्ट भी चल ही रहता है इसमें, कुछ एडिशन कराया, सब्ट्रैक्शन कराया, बहुत माइनर है। आप लोग अगर पियोगे तीनों तो आई थिंक लोगों को फर्क भी पता नहीं चलेगा। हाँ, फर्क भी नहीं चलेगा। हमारी इतनी मेहनत, इतने मल्टीपल सैंपल किए हैं कि गौरव भाई का ठीक है मैं और आज हम प्रोटीन पीते नहीं है, हम स्थिति बता नहीं सकते हैं, बट फाइनली आज हमने क्रैक कर लिया कि हमें फॉर्मुलेशन में क्या करना है क्या नहीं। बट ये प्रोटीन पी के हम पीते नहीं है, बट हमें कभी भी कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। हम क्या करते थे, हम डिनर स्किप कर देते थे, लेकिन हम पहली बार पी रहे हैं और मतलब हम वैसे जिम भी नहीं करते हैं। अब शुरू किया है, झूठ ना बोलो, शुरू किया है बहुत, अभी 2-4 दिन ही हुए, बट हमें कभी भी प्रॉब्लम नहीं हुई। जब कॉमेडी हो, मैंने कहा भाई मैं निकलता हूँ, तुम लोग काम करो, मेरे को जिम जाना है, मेरे को स्क्वाट मारनी है, स्क्वाट मारनी है मेरे को। राज भाई कहते हैं भाई आप कितनी स्क्वाट मारते हो? मैंने कहा ये कैसा क्वेश्चन है? मैंने कहा राज भाई डिपेंड करता है कि कितना वेट है, कितने रेप्स। अच्छा वेट लगा के मारते हो? मैं तो ऐसे ही पूछ रहा था कि मुझे लगता है स्क्वाट से ऐसी मारी जाती है। अच्छा स्क्वाट वेट के साथ मारते हैं? जमीन पे सो गए थे, इतनी नींद आई थी। ये मेरे बालक मेरे पेट की कंघी करे, कह रहे पापा इतने बाल हैं आपके पेट पे। अभी जा रहे हैं जिम ऋतु को लेके, लेकिन अभी जो गर्मी होना शुरू होगी 1 बजे धूप हो गई, अब वॉकिंग सुबह ही करनी पड़ेगी, दिन भरी वॉकिंग बंद। पॉटी आई है तो बेटा कर लो चुपचाप, दुनिया को मत बताओ कि पॉटी आई है। फर्स्ट डे ऑफ द जिम और इतना सज धज के जा रहे हैं। हमें 19 इयर्स हो गए, हम इतना सज धज के आज तक नहीं गए। ऐसे बैठोगे, ऐसे कभी नहीं करना आपने, हमेशा ऐसे करेंगे और पुल करते वक्त भी चेस्ट आउट एंड ऐसे पुल करेंगे।
बट वाइल गोइंग फॉरवर्ड यू कैन गो लिटिल बिट लाइक दिस, क्योंकि स्ट्रेच आएगा फिर ज़्यादा भी नहीं। हाँ ये ठीक है इतना वापस आते हुए। हाँ अब एक बार यहाँ पे लेके आना हाथ, ऊपर लेके आना, जितना ऊपर लेके आओगे उतनी अपर बैक आएगी, ये वाली आ जाएगी, जितनी नीचे लेके आओगी लोअर लैट्स आएगी। सेट नंबर टू सही कर रही हो, आठ। तो पहले हम लोग बैठ के ऐसे ऐसे कर रहे थे, अब हम फ्री वेट से कर रहे हैं। फ्री वेट तो ऐसे से चलता नहीं है, फ्री वेट ऑलवेज गोज अप एंड डाउन, तो हमें अपनी अपर बॉडी को अब ऐसे करना पड़ेगा। तो रिट्टू का पहला दिन है, जो मैं रिट्टू को सिखा रहा हूँ आप लोग भी ये सीख सकते हैं, पहले दिन में कर सकते हैं। और लोग घबरा जाते हैं फ्री वेट्स नहीं करने पहले दिन, ऐसा कुछ नहीं है। लुक फॉरवर्ड बैक, हाँ बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है, पकड़ो लुक फॉरवर्ड। हाँ यहाँ पे फील आएगा आपको, नहीं ध्यान रहे कि ये डंबल से सिंगल आर्म को आ रहा है, दूसरा भी करना है ठीक है ना, ये नहीं कि करके भाग गए। थ्री ट्वेल्व लास्ट, ठीक है बस एक सेट ही करेंगे, हो गया। अब सबसे मेन एक्सरसाइज है, ये सीखने में बहुत टाइम लग जाता है, तो बहुत लोग ऐसे उठाते हैं। तो डेडलिफ्ट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ हिप्स लेग्स हैमस्ट्रिंग एंड बैक, एवरीथिंग मूव्स टुगेदर। बहुत राउंड है, बैक राउंड है ना, ना ना ना। हाँ गो डाउन, हिप्स डाउन, वेरी गुड वेरी गुड, डाउन नाउ, गेट अप गेट अप गेट अप। हाँ वेरी वेरी गुड वेरी गुड यार, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। आ गया आपको, तो स्टूडेंट का कमाल है कि टीचर अच्छा है इतना, आ गया आपको यार, यार सुपर यार, मतलब मैंने इतनी जल्दी किसी को नहीं देखा। थोड़ा सा अब आपका है कि थोड़ा सा हिप्स और नीचे रहेंगी, थोड़ा सा हिप ऊपर है, बट वो भी अलग टेक्निक होती है, बहुत लोग ऐसे भी मारते हैं, बट आई थिंक यू विल गेट मोर एडवांटेज, यू आर नॉट यूटिलाइजिंग योर हिप्स राइट नाउ प्रॉपरली। हाँ बहुत सही आ रहा है यार आपका तो फॉर्म। रितु का वर्कआउट डन, मैं तो अपना करो सामने, देखो कानों से मैल निकाले वाले बंदे, बंदा मैल निकलवा रहा है, देखो वाह क्या सीन है भाई। हमारे यहाँ कानपुर में पहले बहुत आते थे ये, चांदनी चौक जाएंगे ना, चांदनी चौक में बहुत ऐसे बैठे रहते हैं, दो दो रुपये मैल निकाल देते हैं, कटवाना प्राइवेट लिमिटेड का यही कर देंगे, 90% नेट मार्जिन। कह रहा भाई मैं भी मैं निकलवाऊंगा कान की मैल 2 रुपए की, कहते नहीं भाई तेरी सैलरी 2 रुपए, तो 2 रुपए की कान की मैल कैसे निकलवा सकता है, मैं गजे पढ़ाई हुई इनमें यार। बेटा गर्मी हो गई, अब जरूरत नहीं है, जरूरत नहीं है, चलो उतारो 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 उतारो। अबे शाना नहीं बनने का मेरे से, मैं ओके फाइनली कपड़े उतर गया आज। पट्टी क्यों लगाई तुम लोगों ने, कहाँ लगी दिखाओ, यहाँ लगी। तुम्हें कहाँ लगी, यहाँ लगी, मेरी उंगली कट गई थी। कट गई थी, बहुत सुंदर बनाए रशि, अरे वाह यार, किसके लिए बना रहा है, हनी भैया के लिए, तो मैं यहाँ पे चिपकाऊंगी। अच्छा वाह, तो मैं अभी दिखाऊंगा नहीं फिर उनको, रुक जा भी मत दिखाओ, भी मत दिखाओ, भी मत दिखाओ। A few moments later. तो मैं और राजा भी जा रहे जिम, तो हमारे जो ब्रांडिंग है वो तैयार हो चुकी है, हम लोग जिम जा रहे हैं, 3-4 जिम जाएंगे, लोगों से पता करेंगे कि लोगों को क्या पसंद आ। हम सोचा पहले ऑनलाइन, राज कहता ऑनलाइन डाल देते हैं, मैंने कहा ऑनलाइन ही डालते हैं, फिर सबको दिख जाएगा, ऑनलाइन तभी डालेंगे जब मार्केट में आएंगे धमाका करने। मैं ये शार्क टैंक की पिच देख रहा था, ये लोग वो प्लांट बेस्ड मिल गया और कह रहे हैं कि मोस्टली जनता लैक्टोज इंटॉलरेंट है, तो प्लांट बेस पे स्विच कर देते हैं। आप देखेंगे पहले हमारे देश में तो लैक्टोज इंटॉलरेंट कोई था ही नहीं, क्योंकि हम कृष्ण भगवान से लेके पुराने जमाने से लेके देसी गाय घर घर में होती थी, और वेदाओं में आयुर्वेदा में सारे ग्रंथों में है कि यार गाय का दूध, देसी गाय का दूध, घी दही सब लोग खाते थे यार, हमारा स्टेपल है वो। दिक्कत क्या हो रही है, हमने अपने लालच की वजह से देसी गायों की नस्ल खराब कर दी, जीन मॉडिफिकेशन करके हमने उसको HF और जर्सी काउ कर दिया है, वो बहुत ज़्यादा दूध देती है, देसी काउ कम दूध देती है। अब HF और जर्सी गाय के दूध में A1 प्रोटीन पाया जाता है और वो बहुत ख़राब होता है और उसको हम बचा नहीं पाते। जो लैक्टोज इंटॉलरेंट जनता भी है ना, जिनको दूध पचता नहीं है, उनमें से सिर्फ 23% लोग हैं जो एक्चुअली लैक्टोज इंटॉलरेंट है, बाकी लोगों को A1 प्रोटीन से दिक्कत है। A2 मिल्क बहुत अच्छा होता है ह्यूमंस के लिए, और जो लैक्टोज इंटॉलरेंट है स्पेशली अमेरिका में जो लोग हैं, उनकी गट में जो लैक्टेस होता है, हमने गट हेल्थ की तो वाट लगा दी, बाहर का गंदा खाना खा के, पैकेट खाना खा के, तो हमारी गट से वो बैक्टीरिया खत्म हो चुका है, एक्सटिंक्ट हो चुका है लैक्टेस बैक्टीरिया, इसलिए लोगों को लैक्टोज इंटॉलरेंट की दिक्कत हो रही है। लेकिन एक्चुअली अगर आप देखेंगे ना, इंडिया में बहुत लोग वैसे नहीं है, क्योंकि हमारा खाना भी उतना ख़राब नहीं हुआ है, तो मोस्टली इट इज़ मेजरली अ प्रॉब्लम ऑफ A1 एंड A2, क्योंकि हमने गायों की नस्ल ही खराब कर दी। जियो सिनेमा को क्या मौत पड़ गई, हाईलाइट्स नहीं चल रही, दिन में भी सोचा था कि मैच देख लेंगे, ये अटक ही गया भैया जियो सिनेमा, ना मैच देख पाए ना हाईलाइट्स देख पा रहे, क्या चल रहा है भैया, कहाँ जाएंगे हम भाई, ये ना चल रहा भाई, ये ना चल रहा, कल का टेस्ट मैच भी ना देख पाएंगे, सब कुछ कर लिया, लॉग इन भी कर लिया। एनीवेज सोते हैं अभी, आपसे मिलेंगे कल, ये टेस्ट मैच तो गया, मतलब मैं देख नहीं पाऊंगा, वैसा गया, जीतेंगे तो है ही।